हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIS एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे कि इग्नू के नाम से कुछ फेक गूगल फॉर्म सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, इवन यूट्यूब पे भी कुछ ने अपलोड किए हुए हैं, तो उनकी क्या सच्चाई है, ये रियलिटी क्या है, आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। और आप लोगों से ऐसे फॉर्म्स ना फिलअप करने की सलाह दी जा रही है जो कि इग्नू के ऑथेंटिकेटेड सोर्स से नहीं जारी किए गए हैं, तो उसी के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल AIS एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच सके। तो भी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल से मैंने लिया है, पब्लिश्ड ऑन 20 दिसंबर 2020। तो इसमें लिखा है कि इन्होंने प्रमोट करने का फैसला लिया और ये प्रमोट फॉर्म लिंक क्लिक एयर। तो ये जो गूगल फॉर्म का लिंक है, ये आप लोगों को मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो ये इग्नू की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्म का लिंक जारी नहीं किया गया है। और बकायदा इग्नू ने यह भी कहा है अपने नोटिफिकेशन में कि इग्नू जो बच्चे एग्जामिनेशन देना चाहेंगे, ये एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहेंगे, तो उनके लिए इग्नू एक रिवाइज्ड एग्जामिनेशन फॉर्म जारी करेगी और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिलअप करके प्रोसीड कर सकेंगे। और ऐसा कोई गूगल फॉर्म इग्नू ने जारी करने का ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया है। और दूसरा, बात करें प्रमोट वर्ड की, तो इग्नू में प्रमोशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इग्नू में ऑलरेडी प्रोमोटेड होते हैं, क्योंकि इग्नू में आप सभी देखते हैं कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर के होते हैं वो सेकंड ईयर में एडमिशन टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले ही अक्सर ले लेते हैं, ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके लिए इग्नू में प्रमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इग्नू ने सिर्फ और सिर्फ जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एक नोटिफिकेशन निकाल के जो बच्चे उसमें एलिजिबल थे, उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन देने का फैसला लिया UGC की डायरेक्शंस के अनुसार, सिर्फ पर्टिकुलर ईयर के लिए ही, ना कि उसमें कोई और कोर्स ऐड होंगे। तो इग्नू में प्रमोशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं, तो इग्नू इस तरह का गूगल फॉर्म या इस तरह की कोई चीज़ जारी नहीं करेगी। इग्नू ने पहले अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वो रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की सलाह देंगे उन विद्यार्थियों को जो अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं। और अभी आप देख सकते हैं, इस फॉर्म की मैं सच्चाई भी बताऊंगा, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। इसका लिंक मैंने कॉपी किया है और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं यहां पे, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको ओपन भी करके दिखाऊंगा, तो इसमें आप देख सकते हैं वो लिंक है जो मैंने वहाँ से लिया है। तो इग्नू, मैं फिर वही चीज़ बता रहा हूँ कि इग्नू में प्रमोट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इग्नू सिर्फ एग्जामिनेशन दे रही है एग्जाम से उन विद्यार्थियों को जो पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो ये फॉर्म कुल मिलाकर के अभी तक की जो उसमें जानकारी है, उसमें फॉर्म फुल फेक है, इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। इसमें सिर्फ आपका पर्सनल डाटा लेने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब लेने की आपकी कोशिश की गई है और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। और ये सब डाटा लेकर के आप देख सकते हैं, इसके बाद इसमें दोनों चीज़ें लिखी है, डू यू वांट टू बी प्रोमोटेड, डू यू वांट टू अपीयर इन टर्म एंड एग्जाम, एग्जाम ही लिखा है ना कि टर्म एंड। तो इग्नू के जो फॉर्म्स जनरेट होते हैं उसमें प्रॉपर वर्डिंग लिखी होती है। इसमें ऐसा बहुत चीज़ें इसमें खामियां हैं कि इग्नू का ये शो करता है, ये सिद्ध करता है कि फॉर्म इग्नू की तरफ से जारी नहीं किया गया है और इग्नू गूगल फॉर्म के द्वारा जारी नहीं करेगी। इग्नू जब जारी करेगी टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म में ही अमेंडमेंट से जारी करेगी। और इग्नू ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कहा भी है कि जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो 31 दिसंबर तक अपना फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं, उनके हॉल टिकट जारी कर दिए जाएंगे और फरवरी में एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकेंगे, ऐसा इग्नू कह चुकी है। और उसके बाद इसमें देखो ये भी लिखा कि आई हैव गिवन दिस इन्फॉर्मेशन एज आई विश एंड ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है फॉर्म में आपसे कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और मैं सभी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसमें कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है। इग्नू की जो डिक्लेरेशन होती है वो प्रॉपर होती है, उसमें बहुत सी TNC लिखी होती है, उसके बाद वो जारी की जाती है। और आप देख सकते हैं इसमें यस पे भी आपसे टिक करवाया जाएगा, तभी आपका ये सबमिट होगा, दिस इज रिक्वायर्ड। तो इग्नू का ये फॉर्म नहीं है। आप लोगों को ये सब फॉर्म फिलअप ना करने की सलाह दी जाती है, ऐसा ना हो कि आप ये फॉर्म फिलअप करके बैठ जाएं और वेट करते रहें, तो ऐसा नहीं है। इग्नू ने कहा है कि अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसी से फिलअप करें और अननेसेसरी के लिंक्स जो इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं इनसे बचकर रहें और इनमें अपना डाटा ना दें। तो ये बड़ी अपडेट थी हमारी, सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस तरह के डाटा लेने की कोशिश अक्सर की जाती रहती है। और ये हमने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या इस फॉर्म की सच्चाई थी। तो आप हमारे चैनल AIS एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी इग्नू से संबंधित ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है वो आप लोगों तक पहुंच सके।